नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की पहुंच गए हैं। आमिर की ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रिमेक है। इसकी आधी शूटिंग हो चुकी है, बाकी बची आधी फिल्म को तुर्की में ही फिल्माया जाएगा। बताया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में शूटिंग करना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए आमिर खान तुर्की गए। सोशल मीडिया पर आमिर खान की तुर्की की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो मास्क लगाए दिख रहे हैं। लेकिन आमिर का तुर्की जाना अब कहीं उनके लिए प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, क्योंकि फिलहाल तुर्की भारत विरोधी रुख को लेकर चर्चाओं में है। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर तुर्की ने पाकिस्तान की बातों का समर्थन किया था, जिसके बाद से ही तुर्की भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। तुर्की में पनप रहे इस नए तरह के आतंकवाद को कोई और नहीं बल्कि वहां की एर्दोगन सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। तुर्की की तरफ से भारत के मुसलमानों को कट्टर बनाने की भरपूर कोशिश जारी है। इतना ही नहीं, तुर्की भारत के कट्टर मुसलमानों को और कट्टर बनाकर उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करना चाहता है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तुर्की दौरा भी रद्द किया था। तुर्की द्वारा जम्मू कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद भारत ने अपनी विदेशी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए तुर्की की आलोचना की थी। वहीं तुर्की और भारत के खराब रिश्तों के बीच आमिर खान का अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए वहां पहुंचना बवाल मचा सकता है। लोग भी सवाल उठा सकते हैं कि आखिर आमिर को भारत के दुश्मन देश तुर्की में ही इस फिल्म को शूटिंग करने के लिए जगह मिली थी। बता दें कि तुर्की से पहले आमिर खान ने कोलकाता और चंडीगढ़ में भी इस फिल्म की शूटिंग की है। लाल सिंह चड्ढा का डायरेक्शन अद्वैत चंदन कर रहे हैं। इस फिल्म में करीना कपूर लीड एक्ट्रेस का रोल निभा रही हैं। ये फिल्म साल 2021 में रिलीज होगी। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि आमिर की तुर्की में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करना कोई विवाद न खड़ा करते।